हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं जस्ट गेट सिविल यूट्यूब चैनल पर। गेट का एग्जाम आने वाला है, यू कैन से लेस देन 60 डेज रह गए हैं। अब अगले 60 दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगले 60 दिन की प्लानिंग आप कैसे करते हैं विल रिजल्ट कि आपका गेट एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस क्या आएगी। सो मेक श्योर कि आप ध्यान से कंसंट्रेटेड होकर पढ़ें। एक अच्छी खबर, एक नहीं दो अच्छी खबर है। पहली अच्छी खबर तो ये है कि हम इस वीक बहुत इजीली अपना जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सिलेबस खत्म कर लेंगे। आज पाइल फाउंडेशन है, दो तीन और छोटे टॉपिक्स रह रहे हैं। सो बाय थर्सडे वी विल फिनिश इट अप। नेक्स्ट वीक एक बहुत बहुत सीनियर फैकल्टी हमारे चैनल को ज्वाइन करने वाली हैं और उनके ज्वाइन करने से अभी तक जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे, एडवांटेजेस मिल रहे थे, वो और बढ़ जाएंगे। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखिए कि वो लेजेंडरी टीचर कौन है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। टीचर इंट्रोडक्शन, माई नेम जैसे अभी मैंने बताया, इट्स अमनप्रीत सिंह चड्ढा और मुझे काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, इनफैक्ट 9 साल हो गए। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी मेरी TGC एग्जाम में जो इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनकी अच्छी रैंक आई, बहुत अच्छी रैंक आई, बहुत अच्छी आज पोजिशंस पे वो वर्क कर रहे हैं। और मैंने उनको भी एक बात बोली थी और आपको भी मैं एक बात बोलूंगा कि एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अगले 60 दिन है इसमें मेक श्योर आप मैक्सिमम एफर्ट दें। बच्चे कई बारी शुरुआत में बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं बट लास्ट में आते आते कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, लेजी हो जाते हैं, जो भी रीजन है, बट वो लास्ट के दिनों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते और उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस गेट में उनकी इवन टीचर्स से एक्सपेक्टेशन जैसी भी नहीं होती। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनसे मुझे था कि ये बहुत बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। उन्होंने अच्छी रैंक तो लाई बट बहुत अच्छी में कन्वर्ट नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट के 30 35 40 दिनों में थोड़ा सा वो लेजी हो गए। आपने ऐसा नहीं करना। तो जो एडवाइस आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं इस चैनल पर उसको ध्यान से सुनिए, अप्लाई करिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स की बात अगर मैं करूं मेरा बेचारा ये लगता है मुझे खराब ही हो गया। आ गया। तो दो चीजें आपने जरूर करनी है, कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो पहला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इस पर जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर अमन चड्ढा सर्च करिए, आपको मेरी पिक दिख जाएगी, इनफैक्ट यही पिक है, और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं शेयर करता हूँ। जैसे अभी आपने देखा जो पिछला सेशन मैंने लिया, मैंने पिछले 5 इसरो के एग्जामिनेशंस के जियो टेक्निकल के क्वेश्चन कराए थे और हर एक सिंगल क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। पूरी PDF मैंने अपने चैनल पर डाल दी, इनको प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आता है तो वीडियो सेशन को जाके देख लीजिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और उसके बाद अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वैसे आई नो स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट दीस डेज, ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली होगी, बट अगर नहीं करी है तो अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है जो एक स्टूडेंट को चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सब आपको अनअकैडमी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करना बहुत आसान है, जाइए ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर और अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखिए और इंस्टॉल कर लीजिए। बट जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बेनिफिट्स तो मिलेंगे बट सारे नहीं मिल पाएंगे तब तक जब तक आप प्लस सब्सक्रिप्शन बाय ना कर लो। अब स्टूडेंट्स के मन में आता है कि एडवांटेजेस क्या है, क्या वो एडवांटेजेस हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हम सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये वेरियस मंथ्स के बेसिस पर
कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, एक्चुअल कॉस्ट ऊपर वाली है, ये वाली है। और अगर आप प्रोमो कोड चड्ढा 10 या चड्ढा SC यूज करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। जो बच्चे सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, मेरे हिसाब से उनके लिए 24 मंथ सबसे बढ़िया स्लॉट है, ड्यूरेशन है प्रैक्टिस के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। क्योंकि ऐसे केस में आप सब्जेक्ट्स को कई बार ही पढ़ लेते हैं, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो भले ही बीटेक कर चुका है बट उसको लगता है कि प्रिपरेशन लेवल पर वो बिल्कुल जीरो है। तो जिस बच्चे को लगता है कि अभी उसको एकदम स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट करना है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स का अच्छा है। आपको लगता है कि नहीं, आप ऑलरेडी एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको ब्रशअप करने हैं अपने स्किल्स, तो 1 ईयर इज गुड, जो आपको ड्यूरेशन ठीक लगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे आपने ESCN गेट का सब्सक्रिप्शन लिया, तो ESCN गेट में सिविल इंजीनियरिंग के जो भी फैकल्टीज हैं, आप उनके किसी भी वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको ऑफलाइन मोड में देख सकते हो। टीचर्स के PDFs को आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। सब्सक्रिप्शन अगर आप बाय करते हैं तो बस एक ऑप्शन दबाना है डाउनलोड का और PDF आपके फोन में आ जाएगा। उसके बाद आप डाउट सेशंस में बैठकर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और रेगुलर टेस्ट देकर अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। सो एवरीथिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लस को बाय करने से मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमने पढ़ना है पाइल फाउंडेशन का सेकंड पार्ट। दिस इज लेक्चर नंबर 40th एंड पार्ट सेकंड। अब हम धीरे धीरे अपनी जो डेस्टिनेशन है, हमारा डेस्टिनेशन तो था जियोटेक कंप्लीट करना, उस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2-3 सेशंस और होंगे और हमारा सारा थ्योरिटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। बट एज अ स्टूडेंट मेक श्योर आप रिवाइज जरूर करें। एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता देता हूं, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन मैं आपको 2 आवर्स के सेशन लूंगा आपके, और इन 2 आवर्स के सेशन में हम जियोटेक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सपेक्टेड होते हैं गेट एग्जामिनेशन में। तो टोटल 90 क्वेश्चंस हम करेंगे और ये 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, पूरा जियोटेक कवर होगा इन 90 क्वेश्चंस में, और इन 90 क्वेश्चंस के थ्रू हमारे सब्जेक्ट का बेटा एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ, आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी कि रिवीजन भी हो जाएगा सब्जेक्ट का, टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी हम कर लेंगे। इनफैक्ट अभी हमने इसरो करा तो उस टाइम पे भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करा रहा था। आपने देखा होगा कि इसरो के जो न्यूमेरिकल्स थे वो गेट के कंपैरिजन में एक लेवल नीचे थे। अब हम गेट के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका पैटर्न क्या है। फिर मोस्ट प्रोबेबली बाय मंडे, वी हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू। मंडे से वी आर प्लानिंग समथिंग जिसका नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में मैं आपको दे दूंगा। तो मंडे से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स को उनकी प्रिपरेशन में मेजर एडवांटेज दे सकता है, होता है ना, किलर एज दे सकता है आपको बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मंडे would be a very wonderful day for all these students because we have thought of something very interesting for these students. Ab start karte hain apne topic ko, piles par aate hain. Dekhiye, pile foundation mein humne padha tha ki ye deep foundation hoti hai aur kafi gehrai tak jati hai. Jab kam depth pe ek strong soil nahi mil pata hai to hum pile foundation ka use karte hain. Fir is par humne analysis padha tha, एक फॉर्मूला पढ़ा है, उस पर आ जाते हैं, स्टैटिक एनालिसिस पर आ गए थे। देखिए आज हम क्या करेंगे, एक तो हम स्टैटिक एनालिसिस करेंगे, फिर एक टर्म है नेगेटिव
स्किन फ्रिक्शन, इसको पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे पाइल्स इन ग्रुप्स। कल हम डायनामिक एनालिसिस, लोड टेस्ट ऑन पाइल्स एंड पेनिट्रेशन टेस्ट को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ सेटलमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कल हम पाइल फाउंडेशन खत्म कर देंगे, परसों हम पढ़ेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन, परसों मतलब वेडनेसडे को हम सॉइल एक्सप्लोरेशन पढ़ेंगे जिसमें टेस्ट है, बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है। और नेक्स्ट डे मींस ऑन थर्सडे हम सॉइल इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन टू दी सॉइल। ये जो सॉइल इंप्रूवमेंट टॉपिक है ये ईएसई में है, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो वर्ल्ड वाइड गेट में नहीं है, ईएसई में है। तो इसके साथ बाय थर्सडे हमारा जियोटेक पूरा हो जाएगा। अक्टूबर 9-10 से हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया, अब ये खत्म होने वाला है। फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा ताकि आपका पिछला भी एकदम रिवाइज रहे। मंडे से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम स्टार्ट करेंगे, क्या है वो आपको एक आध दिन में बता दूंगा मैं। उसके बाद अब आपको ये श्योर रखना है कि आपका सब्जेक्ट रिवीजन अच्छे से चलता है। तो हमने लास्ट क्लास में स्टैटिक एनालिसिस पढ़ लिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं स्टैटिक एनालिसिस, ये आज भी इसी का यूज होना है। स्टैटिक एनालिसिस में हमने पढ़ा कि एक पाइल फाउंडेशन लोड को दो तरीके से ट्रांसफर करती है, एक है अलोंग इट्स लेंथ और फिर है अलोंग इट्स बेस। लेंथ के अलोंग जो लोड ट्रांसफर होता है वो क्यू एफ है और बेस के अलोंग जो होता है वो क्यू पी यू है। कुछ बुक्स में हो सकता है क्यू पी यू ना लिख के क्यू बी लिखा हुआ हो, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स टू बुक से बदल जाता है। तो मैक्सिमम लोड, अल्टीमेट लोड जो एक पाइल फाउंडेशन सह सकती है, इट इज क्यू एफ प्लस क्यू पी यू। अब क्यू एफ को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है एफ एस इंटू ए एस। आप ये बात देख ही रहे हैं न्यूमेरिकल्स में कि अगर पाइल फाउंडेशन में फॉर्मूला याद है तो मार्क्स पूरा आ जाता है, मतलब कोई ऐसा बहुत घुमाने वाला कंसेप्ट नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में होता है ना कंसेप्ट बड़ा घुमा जाता है, ऐसा कोई घुमाने वाला कंसेप्ट नहीं है, फॉर्मूला याद है, डेटा में रखना है, यू विल गेट दी आंसर। तो ऐसे टॉपिक स्कोरिंग होते हैं, तो पाइल और शैलो फाउंडेशन स्कोरिंग टॉपिक्स है। फिर क्यू पी यू की बात अगर हम करें तो ये स्मॉल क्यू पी यू इंटू ए बी है। अब कोहेसिव और कोहेशन लेस सॉइल्स के लिए आपने इन फॉर्मुलों को याद रखना है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एफ एस और कोहेशन लेस ये फॉर्मूला है, आप याद करो, इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, हमने करा भी था लास्ट क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से आता नहीं है, हर टॉपिक से आएगा शैलो और डीप के, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर एफ एस का फॉर्मूला कोहेसिव सॉइल के लिए ये है अल्फा टाइम्स सी, अल्फा को एडहेशन फैक्टर बोलते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ क्यू पी यू, ये हमने तिरजागी में पढ़ा, ये टर्म इग्नोर कर देते हैं, अगर कोहेसिव सॉइल है तो ये टर्म भी हट जाएगी, एनसी की वैल्यू 9 आ जाएगी, कोहेशन लेस है तो ये हट जाएगा, क्यू की वैल्यू आएगी और यहाँ पर ये क्रिटिकल डेप्थ का एक टर्म आएगी कि लूज सैंड के लिए कितनी रखनी है, डेंस सैंड के लिए कितनी रखनी है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, रेगुलर क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पर। अब ये सब हमने कर लिया, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन से। गुड आफ्टरनून मिनी वर्ल्ड बेटे, इन टू डेज आई रिवाइज एंड स्टडी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा वेटेज है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अच्छा करा पढ़ा उसे, बहुत बढ़िया बात है। राहुल, इट्स लाइक कि मैं आपको कल तक, मैक्सिमम परसों तक अपडेट दे दूंगा, इन दो में से कोई एक सब्जेक्ट आई मे स्टार्ट, वन इज आरसीसी एंड द अदर इज ओपन चैनल फ्लो। बात यह है कि जो आरसीसी है ये गेट में 5 to 6 मार्क्स का आता है और ये 2 to 3 मार्क्स का, तो आरसीसी की जो वेटेज है एक तरीके से जस्ट डबल है ओपन चैनल फ्लो की। बाकी सब जैसे और कम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो वहां पर भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल होता है आरसीसी का। तो
आई एम कंसिडरिंग टू स्टार्ट आरसीसी एंड वंस आरसीसी इज डन देन आई विल गो विद ओपन चैनल फ्लो. क्योंकि आपका देखिए शुभम सर ने हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा दिया है, इस चैनल पर हाईवे इंजीनियरिंग हो गया है, सोम हो गया है, सॉइल हो जाएगा इस हफ्ते, लेट से दिसंबर तक एंड तक आरसीसी हो जाएगा. जो मेरे पास नॉलेज है बहुत जल्दी आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी स्टार्ट होने वाला है. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एपटी ऑलरेडी हो गया है. जो बड़े सब्जेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है. फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट रह जाएगा जो बड़ा है, जिसका सिलेबस ज्यादा, बाकी अब जो रह जाएंगे सब्जेक्ट उनका सिलेबस बड़ा नहीं है. फिर ओपन चैनल फ्लो कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा. 2 hours a day क्लास लेके 10 days में ये सब्जेक्ट खत्म किया जा सकता है आराम से. न्यूमेरिकल सेशंस थोड़े लंबे लेके खत्म हो जाएगा. तो व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि मैक्सिमम सिलेबस आपका गेट के एग्जाम से बहुत पहले खत्म हो जाए. बट अगेन मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आप ही बच्चों पर. जितना ज्यादा हमारे चैनल का व्यूज होंगे उतना ज्यादा हम आपके लिए कर पाएंगे. तो मेक श्योर अपनी तरफ से जितना ज्यादा आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं करिए, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जोड़िए इस चैनल के साथ. एंड आई बिलीव कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं. तो एवरी टीचर जो इस प्लेटफॉर्म पर है सब 100% देते हैं अपना. तो अगर आप होता है ना, आप किसी को बोल रहे हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वो आपको ये नहीं बोल पाएगा कि यार फायदा नहीं मिल रहा है, फायदा तो 100% मिलेगा, ठीक है. तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन पर आते हैं. नमस्ते अर्चित. हाँ अर्चित, सरप्राइज बताया जाएगा बेटा एक दो दिन में. एक सरप्राइज तो यही है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट होने वाला है आपका, ठीक है. बोल मतलब बहुत सीनियर फैकल्टी हैं जो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे. तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते थे कि सर इन्वायरमेंट कब से होना है, तो इन्वायरमेंट 99.9% आपका दिसंबर मिड से स्टार्ट हो जाएगा. इसके साथ साथ एक और बड़ा सरप्राइज है जो आगे डिस्कस करेंगे. अब एक टॉपिक आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. देखिए स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, पहले तो हमें ये समझ लेते हैं स्किन फ्रिक्शन क्या है. स्किन फ्रिक्शन को तो हमने पढ़ा ही था कि ये एक पाइल है, इस पर लोड लग रहा है, तो इस लोड को जो फ्रिक्शन है वो रेजिस्ट करता है इस तरीके से. तो ये जो रेजिस्टेंस टू फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस टू लोड है, ये सिर्फ स्किन फ्रिक्शन होता है. तो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्ट लोड. अब टर्म आ रही है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन. तो अगर स्किन फ्रिक्शन लोड को रेजिस्ट कर रहा है तो नेगेटिव क्या करेगा, लोड को फेवर करेगा. क्या होता है कि जब आप पाइल्स को इंस्टॉल करते हैं ग्राउंड में, तो ये जो कुछ सॉइल है ये साथ में सेटल डाउन हो जाता है, सेटल हो जाता है. अब आप ये सोचिए, आप किसी चीज को, जैसे मान लीजिए दीवार की बात करें, दीवार का एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है. आप दीवार पर एक कील को अंदर ले जाना चाहते हो, ठीक है. आप उसको ड्रिवन करना चाहते हो कि जो कील है वो दीवार में ड्राइव हो जाए. अब मान लीजिए जो प्लास्टर है वो बजाय रेजिस्ट करने के वो भी कील के साथ ही अंदर चला जाए, तो ये तो बड़ा खराब हो जाएगा. आप देखोगे कि वहां से प्लास्टर टूट जाएगा. हम क्या बोलेंगे, क्या ऐसा प्लास्टर अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा है, बड़ा खराब प्लास्टर है ऐसा. तो उसी तरीके से जब आप पाइल्स को ड्राइव करते हो ग्राउंड में, तो जो सॉइल वहां पर रेजिस्टेंस के लिए है, जो पाइल को रेजिस्टेंस देगा, वो बजाय रेजिस्टेंस देने के पाइल के साथ ही सेटल हो जाता है. और हम बोलते हैं कि इतनी लेंथ में, जितनी लेंथ में रेजिस्टेंस हुआ, इतनी लेंथ में जो सॉइल था उसने लोड के रेजिस्टेंस में कुछ भी नहीं करा, उल्टा लोड को साथ दिया. तो सबसे पहले व्हाट इज नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, पाइल की कुछ लेंथ बजाय लोड को अपोज करने के लोड को सपोर्ट करने लग जाती है. इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो पाइल की हमने लोड कैपेसिटी बनाई, अब आप ये मानिए, हमने तो ये माना
इतनी लेंथ है जो क्यू एफ जनरेट करेगी, बट एक्चुअल में कुछ लेंथ तो ऐसी है जो लोड को रेजिस्ट ही नहीं कर रही, उल्टा लोड को सपोर्ट कर रही है। इस वजह से जो सॉइल का क्यू यू है, जो पाइल की अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी। थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर दोबारा समझाता हूं मैं। तो सबसे पहले एक पाइल बना लेते हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लोड लग रहा है क्यू, हमने ये माना कि ये एंटायर लेंथ, अभी तक हमने पढ़ा जब पाइल की एंटायर लेंथ लोड को रेजिस्ट करती है। फिर से बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है नेल। नेल मतलब जब आप कील को वॉल में इंसर्ट करते हो तो क्या होता है, आपको दम लगाना पड़ता है, पूरा प्लास्टर एज इट इज रहता है और कील अंदर जाती है, इस वजह से रेजिस्टेंस आता है। मान लीजिए वॉल बहुत सॉफ्ट हो, आप जाओ और कील ऐसे लगा दो, ये तो होता नहीं है। अब आपने क्या किया, यहां पर सॉइल में भी सेम केस बनाया। सॉइल में जब आपने पाइल को ड्राइव करा तो मान लीजिए यहाँ का जो सॉइल है, बजाय फर्म रहने के ये सॉइल भी पाइल के साथ क्या हो गया, सेटल हो गया। तो इतनी लेंथ फ्रिक्शन कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है, उल्टा ये तो लोड का साथ दे रही है। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वजह से क्यू एफ की वैल्यू कम हो जाती है, इस वजह से क्यू यू की वैल्यू कम हो जाती है। लोड उतना ही लग रहा है, क्यू यू कम हो गया, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हेन अ सॉइल लेयर सराउंडिंग ए पोर्शन ऑफ द पाइल सेटल्स मोर देन द पाइल, ए डाउनवर्ड ड्रैग इज एग्जर्टेड ऑन द पाइल। याद करिए, जब भी मैं आपको फिगर दिखाता हूं, क्यू एफ का ये एरो ऊपर दिखाता हूं, मतलब लोड को रेजिस्ट कर रहा है। जितने इलाके में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होगा, जो एरो बनेगा ये डाउनवर्ड्स बनेगा, तो लोड भी नीचे एरो भी नीचे। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लोड को सपोर्ट करने लग जाता है, वेयर एज स्किन फ्रिक्शन लोड को रेजिस्ट करता है। ये जो डाउनवर्ड ड्रैग है इसको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन बोला जाता है। दिस कंडीशन डेवलप्स व्हेन ए सॉफ्ट और लूज सॉइल स्ट्रेटम लोकेटेड एनीवेयर अबव द पाइल टिप सेटल्स आफ्टर द पाइल हैज बीन इंस्टॉल्ड। कोई लूज सॉइल है, उस लूज सॉइल में क्या होगा, जब आप वहां पर पाइल ड्राइव करोगे तो वो लूज सॉइल सेटल कर जाएगी। लूज सॉइल मतलब वो फर्म नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब आप किसी लूज सॉइल में पाइल को ड्राइव इन करते हैं तो सॉइल सेटल हो जाता है और इस वजह से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा पाता। दिस इज व्हाट नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज। सो ड्यू टू नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एक्स्ट्रा डाउनवर्ड लोड इज इम्पोज्ड ऑन द पाइल, एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी साल क्वेश्चन आया। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो कल की आपकी मैं क्लास लूंगा उसमें एक तो डायनामिक एनालिसिस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे भी क्वेश्चन आए। कल मैं आपको कुछ और पी वाई क्यूज कराऊंगा, आज भी हम पी वाई क्यूज करेंगे और कल भी हम करेंगे, और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे को भी करेंगे। इसके साथ साथ अनअकैडमी ऐप पर मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता रहूंगा टाइम टू टाइम, किसके लिए, जियोटेक और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। उसके अलावा दिस वीक मैं एक सेशन लूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट इंडियन आर्मी में एक सिविल इंजीनियर बनने का है तो व्हाट शुड बी डन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कई बार लैक ऑफ गाइडेंस होती है और वो उस जगह नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें होना चाहिए। कितने सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे जिनको मैंने बताया है कि आप इंडियन आर्मी में एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। देखिए, हम हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हम सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स को सीखें और एक बेहतर और अच्छा करियर बना सकें, अपना भी डेवलपमेंट करें, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करें। ये हर इंसान का पर्पस है। आप जैसे आपको रोड्स बनाना है, आपका मन है रोड बनाने का, चाहे वो रोड आप पीडब्ल्यूडी के लिए बनाओ, चाहे आप वो सीपीडब्ल्यूडी के लिए बनाओ, चाहे आर्मी कैंट में बनाओ, बना तो आप रोड रहे हो, रोड बनाना आपको अच्छा लगता है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हो। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका इंटरेस्ट है कि सर मेरा आर्मी को लेके एक पैशन है, क्योंकि मेरा तो भयानक है, तो अभी मैं इसकी एक स्पेशल क्लास अरेंज करूंगा अपने अनअकैडमी ऐप पेज पर। तो
तो अगर आपको लगता है कि यस यू आर गुड फॉर आर्मी, आपको लगता है कि हाँ मेरा मन है आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने का, तो उस सेशन को ज्वाइन करिए। अगले कुछ दिन टिल यू कैन से 31st of January बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं सारे टीचर्स अनअकैडमी ऐप पर, क्योंकि बड़ा क्रूशियल टाइम होता है स्टूडेंट के लिए। आप भी एक्टिव हो जाइए और एक बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। अभी तक हमने नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का मतलब समझा, अब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो और कोहेसिव सॉइल्स, कोहेसिव सॉइल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो NF represents negative friction, देखिए QF क्या होता है, FS AS, FS क्या था alpha CU AS। मान लीजिए ये एक हमने पाइल फ्रिक्शन, ये पाइल बनाई, मैंने आपको बोला कि इतना इलाका है LF जहां नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जनरेट हुआ, आपको स्किन फ्रिक्शन बस इतने इलाके का निकालना है। स्किन फ्रिक्शन जब हम लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू 1 मानते हैं, सी यू एस क्या होगा, सरफेस एरिया उतना जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो लेंथ तो एल हो गई, और क्या चाहिए सरफेस में, पैरामीटर, तो पैरामीटर मान लीजिए पी है, तो पी इंटू एल एफ, तो ये एस हो गया। पूरी लेंथ नहीं लेनी है, उतनी लेंथ जो फ्रिक्शन को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर हमें क्यू एफ का फॉर्मूला याद है तो ये भी हो सकता है, बस ये याद रखिए अल्फा की वैल्यू 1 है। उसके बाद अगर सॉइल कोहेशन लेस है, तो कोहेशन लेस के लिए हमने भाई क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू पी यू क्या होता है, की क्यू पी यू इंटू ए बी। फिर कोहेशन लेस सॉइल है क्यू एफ, एफ एस ए एस, एफ एस क्या होता है, इसके लिए याद करिए हमने पढ़ा है के गामा या के क्यू कह रहे थे, टेन डेल्टा बाई 2, और सरफेस एरिया क्या हो गया, पी इंटू एल एफ, फिर 1/2 के क्यू क्या हो जाएगा, गामा, जितनी लेंथ में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है, बच्चे रटने की कोशिश करते हैं भूल जाते हैं, तो एल एफ ये और एक एल एफ हेरा, तो एल एफ स्क्वायर, पी यहां आ गया 10 डेल्टा, तो पी एल एफ स्क्वायर के गामा 10 डेल्टा बाई 2। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कैसे आएगा, क्यू एफ का फॉर्मूला लगा दीजिए बस उतनी लेंथ में जितनी लेंथ में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है, और ये एग्जाम में गिवन होता है कितनी लेंथ में एनोड। अभी हम ग्रुप्स के लिए भी इन चीजों को पढ़ेंगे, बट ये टॉपिक ऐसा है जो आपको फुल मार्क्स दे सकता है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, ज्यादा नहीं। अब ये जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है ये क्या करता है, ये क्यू एफ की वैल्यू को कम कर देता है। अब अगर क्यू एफ कम हुआ तो क्यू यू कम हो गया और एक नया अल्टीमेट लोड आ गया क्यू यू डैश, तो क्यू यू डैश विल बी क्यू यू माइनस क्यू एन एफ। तो ये नेगेटिव प्रभाव है, इसका दुष्प्रभाव है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन को रोकने का तरीका क्या है, कोटिंग कर दीजिए, पाइल पर कोट कर सकते हैं, या एक हार्ड स्ट्रेटम का सॉइल लीजिए जहां फ्रिक्शन अच्छे से जनरेट हो सके। थोड़ा पानी पी लें बच्चों जरा। देखिए गेट में क्वेश्चन भी आया है, जरा आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। ये गेट का ही क्वेश्चन है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स वन एंड व्हेन एन अपवर्ड ड्रैग तो नहीं होता है भैया, डाउनवर्ड ड्रैग होता है, द सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन द पाइल पासेस कंटीन्यूअसली थ्रू अ फर्म सॉइल, द ड्रिवन ऑपरेशन बिगिंस, नहीं बी आंसर है इसका, जब सॉइल सेटल कर जाती है इंस्टॉलेशन के दौरान। वेरी गुड मिनी वर्ल्ड बेटा। अब देखिए 2014 में फिर से एक और क्वेश्चन आया 1 मार्क का, बताते अर्चित,
एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑफ द पाइल इज टू व्हाट? क्या करता है नेगेटिव फ्रिक्शन? क्या ये इंक्रीज करता है अल्टीमेट लोड को? इंक्रीज तो नहीं करता है। क्या ये वर्किंग लोड को मेंटेन करता है? वो भी नहीं करता है। क्या ये सेटलमेंट घटाता है? बिल्कुल नहीं घटाता है। क्या करता है? जो अलाउबल लोड है, जैसे देखिए क्यू यू की वैल्यू को कम करता है, तो अलाउबल लोड क्या हो गया? क्यू यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो अलाउबल लोड भी क्या हो गया? कम हो गया। तो इट रिड्यूसेस द अलाउबल लोड ऑन द पाइप। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी हम करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ कुछ टाइम से बने हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से लेके सबसे टफ क्वेश्चन सारे कराते हैं। जो लास्ट सेशन था इसरो का, जिसमें आई बिलीव अराउंड 50 क्वेश्चंस हमने करे थे, बिल्कुल क्लेम कर रहा था मैं उस टाइम पर, अभी भी कर रहा हूँ, करता रहूंगा, कि सब कुछ क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया था, और ये सोच के नहीं पढ़ाया था कि इसरो में ये चीजें पूछेंगे, जो सिलेबस है वो ही पढ़ाया गया था। तो ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर तो बहुत अच्छी रैंक आप ला सकते हैं। अब आता है पाइल ग्रोथ। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, अभी तक आप सिंगल पाइल के बारे में पढ़ रहे थे, बट पाइल्स को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि हमेशा ग्रुप्स में दी जाती है, कभी भी एक सिंगल पाइल नहीं होती है, ग्रुप में दी जाती है। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि ग्रुप्स में दी जाती होंगी तो जो एक पाइल की स्ट्रेंथ है उसे नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रुप की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। देखिए ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो पाइल्स आर ऑलवेज यूज्ड इन ग्रुप्स, इनको हमेशा ग्रुप्स में दिया जाता है। ए मिनिमम ऑफ थ्री पाइल्स आर टू बी इंस्टॉल्ड, और जब ये तीन पाइल्स दी जाएंगी तो जब आप प्लान देखोगे तो ये रेक्टेंगुलर और सॉरी ट्रायंगुलर पैटर्न में दी जानी चाहिए। अब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक पाइल है, अब तीन चार पाइल आपने लगाई और इसके ऊपर एक पाइल कैप लगा दिया, ठीक है। इस ये जो कंक्रीट की एक बहुत बड़ी सी स्लैब हो गई, ये पाइल कैप है और सारा लोड इस पाइल कैप पर आता है। तो पाइल कैप क्या, एक बड़ी कंक्रीट की स्लैब है, फिगर जैसे मैं बनाऊ, मान लीजिए ये पाइल है, दो है और दो इसके पीछे है, तो एक कॉन्क्रीट की बड़ी सी स्लैब है और स्लैब पर लोड आता है, तो ये कंक्रीट की स्लैब जो है इसको पाइल कैप बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पाइल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड इन ग्रुप्स, मिनिमम नंबर ऑफ थ्री दैट टू बी प्लेस्ड इन ट्रायंगुलर पैटर्न, और इन पाइल कैप्स के और जो पाइल्स हैं इनके ऊपर एक पाइल कैप लगाई जाती है, लोड पाइल कैप पर पड़ता है। अब मेन बात आती है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। बच्चों के दिमाग में होती है चीज कि ग्रुप की कैपेसिटी नंबर ऑफ पाइल्स इनटू इंडिविजुअल कैपेसिटी के इक्वल होती होगी। ऐसा नहीं है, ये जो ग्रुप की कैपेसिटी है ये इंडिविजुअल से ज्यादा भी हो सकती है और इंडिविजुअल से कम भी हो सकती है। बड़ा अच्छा डिस्कशन है ये। सबसे पहले ज्यादा कैसे होगी या ज्यादा कब होगी? देखिए क्या होता है, जब हमने पढ़ा, आप याद करिए, मैं आपको इसी टॉपिक में पढ़ा भी रहा था, एक टर्म होता है कॉम्पेक्शन पाइल्स, जहां पाइल कॉम्पैक्ट कर देती है सॉइल को। हम ये बात जानते हैं कि अगर एक मान लीजिए कोहेशन लेस सॉइल है तो कोहेशन लेस सॉइल के कॉम्पेक्शन जो होता है वो वाइब्रेशन से किया जाता है। जब पाइल्स को इंस्टॉल किया जाता है पृथ्वी में तो भयानक वाइब्रेशन जनरेट होती है। आप सोचिए, आप दीवार में कील को अगर गाड़ना चाहते हैं तो भाई वहां वाइब्रेशन आ जाएगी। उसी तरीके से जब पाइल्स को हम ड्राइव करते हैं ग्राउंड में तो वाइब्रेशन जनरेट होती है, और जो कोहेशन लेस सॉइल्स है वो इस वाइब्रेशन की वजह से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं।
सिंगल पाइल की वजह से तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, अकेला पाइल तो नहीं कर सकता, बट जब ग्रुप ऑफ पाइल्स को इंस्टॉल किया जाता है तो वाइब्रेशन की वजह से जो हमारा सॉइल है वो डेंसिफाई हो गया। अब अगर कोई चीज डेंसिफाई हो गई तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। तो ग्रुप की कैपेसिटी इंडिविजुअल समेशन से ज्यादा हो जाती है जब एक कोहेशन लेस सॉइल हो, जैसे कि सैंड। अब ग्रुप की कैपेसिटी इंडिविजुअल समेशन से कम भी हो सकती है, और इसका एग्जाम्पल है क्ले। देखिए, हमने पढ़ा था क्ले में, एक टॉपिक हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉइल की जो स्ट्रेंथ है उसमें लॉस आ जाता है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज ऑफ व्हाट? रिमोल्डिंग। रिमोल्डिंग की वजह से सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो घट जाती है, इसी को सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो जब आप पाइल्स को ड्राइव करते हो ग्राउंड में, तो ये जो हमारा बेचारा क्ले है ये रिमूल्ड होने की वजह से अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। तो आप सोचिए, जो सॉइल है वो अगर वीक हो जाए तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ क्लेज, ग्रुप की जो कैपेसिटी है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के समेशन से कम होती है बिकॉज ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। इनफैक्ट आप याद करिए, आप देख भी सकते हैं ये यूट्यूब पर सेशंस में, मैंने जब सेंसिटिविटी टॉपिक पढ़ाया तो ये बोला भी था कि जब क्ले में पाइल फाउंडेशंस डाली जाती हैं तो कुछ टाइम तक क्ले को अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने सॉइल स्ट्रक्चर को रिगेन करे, जिसको थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। तो अगर कोहेशन लेस सॉइल है तो वाइब्रेशन की वजह से ग्रुप कैपेसिटी इंडिविजुअल से ज्यादा हो जाती है, और अगर क्ले है तो ग्रुप कैपेसिटी इंडिविजुअल से कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। तो यही अब हमने पढ़ना है, तो इसी को देख लेते हैं। द पाइल ग्रुप कैपेसिटी में नॉट बी इक्वल टू द समेशन ऑफ इंडिविजुअल पाइल्स। तो क्यू यू जी एन टाइम्स क्यू यू हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। और यही एक टर्म बनती है एफिशिएंसी ऑफ पाइल ग्रुप, जो क्यू यू जी इंटू एन टाइम्स क्यू यू होती है। एन मीन्स नंबर ऑफ पाइल्स, क्यू यू इंप्लाइज इंडिविजुअल कैपेसिटी, जो अभी आपने क्यू यू का फॉर्मूला पढ़ा वो। अब ये ईटा 100% से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता क्यू यू जी, क्यू यू एन टाइम्स क्यू यू के? दिस मे बी ड्यू टू द डिस्टर्बेंस कॉस्ट टू द सॉइल ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइल। पाइल को इंस्टॉल करते टाइम डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, डिस्टर्बेंस अच्छी भी हो सकती है जैसा कोहेशन लेस सॉइल में हुआ वाइब्रेशन, और खराब भी हो सकती है जैसा क्ले में हुआ। सो इंस्टॉलेशन ऑफ सॉइल, इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइल में लीड टू द डेंसिफिकेशन ऑफ द सॉइल मास, रिजल्टिंग इन मोर कैपेसिटी देन इंडिविजुअल पाइल। अभी डिस्कस करा, ए पाइल ग्रुप कैन बी एज्यूम टू बी वन बिग इक्विवेलेंट पाइल। अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक पाइल है, ऐसा एक और पाइल, ऐसी एक और पाइल और ऐसी एक और पाइल। तो हम ये मानते हैं एनालिसिस में कि ये चार सिंगल पाइल एक बहुत बड़ी इंडिविजुअल पाइल बना रही है। होता है ना, चार रेजिस्टर साथ में जुड़े हैं तो एक बड़ा रेजिस्टर इक्विवेलेंट बना लेते हैं। या एक और अच्छा एग्जाम्पल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तीन सॉइल है, परमेबिलिटी इक्विवेलेंट निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है ये। फिर इनकी कैपेसिटी निकाली जाएगी, इंडिविजुअल की कैपेसिटी निकालोगे आप जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा क्यू यू, फिर आप ग्रुप की कैपेसिटी निकालोगे। ग्रुप की कैपेसिटी निकालने का एक तरीका होता है एन टाइम्स क्यू यू, एक और तरीका होता है जिसमें ग्रुप को एक सिंगल बड़ी पाइल मान लेते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल इसी पर आता है। अगर आपसे कोई बोले कि एक पाइल ग्रुप है, इसकी लोडिंग कैपेसिटी बताओ क्यू यू जी, तो दो स्टेप करने। पहले आप क्या करोगे, क्यू यू जी निकालोगे। कैसे? एक पाइल की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लो और नंबर ऑफ पाइल्स के मल्टीप्लाई कर दो, एन टाइम्स क्यू यू। दूसरा तरीका होगा, आप जो ये पाइल्स है, जैसे मान लीजिए 9 पाइल्स है, इनको हम एक सिंगल इक्विवेलेंट पाइल मानेंगे। कैसे मानेंगे, क्या करते हो, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। इसको हम बोलेंगे एक सिंगल
इक्विवेलेंट फाइल बनाएंगे। इसको बनाने का मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। अब इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होगी दैट विल बी टेकन एज ग्रुप कैपेसिटी। बहुत बहुत चांसेस हैं कि अभी आपको नहीं पता चला होगा कि सर हुआ क्या। पहला पॉइंट तो समझ आ गया होगा कि ग्रुप की कैपेसिटी सिंगल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फाइल। सेकंड पॉइंट में हो सकता है डाउट आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल के थ्रू ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक बात याद रखिए, न्यूमेरिकल आपके बहुत सारे थ्योरेटिकल डाउट्स को खत्म करते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल पे बहुत एम्फेसिस रखिए। अगले 60 दिन जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं कर लीजिए। अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइल ग्रुप इन कोहेशनलेस सॉइल्स। कोहेशनलेस सॉइल्स में क्या होता है, ग्रुप कैपेसिटी इंडिविजुअल से ज्यादा आ जाती है डेंसिफिकेशन की वजह से, कोहेसिव में कम हो जाती है ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग, या और हमने अच्छा वर्ड पढ़ा था रिमोल्डिंग ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। अब समझने के लिए हम न्यूमेरिकल का यूज करेंगे। देखिए थ्योरेटिकली तो टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं था, यही मैं बार बार बोलता हुआ आया हूँ कि शैलो और पाइल के केस में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले लिमिटेड है, बट वो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब आप खुद से सोचिए, मैंने आपको QNU का फॉर्मूला बताया था शैलो फाउंडेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड, उसमें SC, SQ, S गामा, DC, DQ, D गामा, IC, IQ, I गामा। क्या आपको इस वक्त ये फॉर्मूले याद है? अगर ये फॉर्मूले इस वक्त आप अपने माइंड में करो कि हाँ हाँ ऐसे तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करना स्टार्ट कर दीजिए। 2018 में एक क्वेश्चन आया है दो नंबर का फाइल फाउंडेशन का, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ए 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर कॉन्क्रीट पाइल इज टू बी ड्रिवन इन होमोजेनियस क्ले सॉइल हैविंग अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। तो CU की वैल्यू 50 है, यूनिट वेट गामा दे रखा है, डिजाइन कैपेसिटी। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं डिजाइन में, अल्टीमेट में, इन चीजों में। डिजाइन 500 है, इसके लिए डिजाइन करें। डिजाइन क्या आप अल्टीमेट के लिए करोगे? कभी नहीं करोगे, क्योंकि अगर किसी भी रीजन से लोड बढ़ा तो फेलियर होना ही होना है। तो डिजाइन मतलब QD मतलब ये अल्टीमेट से छोटा होगा। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दे रखा है, तो QD क्या होगा, QU/2। तो अगर QD 500 है, FOS 2 है, तो QU कितना हो गया, 500 into 2 means 1000 kilonewton। ये confuse कर जाता है design and all। The adhesion factor is 0.75, the length of the pile required for the above design load factor is what? Length of the pile बोला है। Very good बेटा। अब देखिए हमने formula पढ़ा है, QU कैसा सॉइल है, क्ले ही सॉइल है, तो क्या होता है, QF प्लस QPU। गेट का दो नंबर का क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, QF FS AS प्लस QPU AB। FS क्या होगा, क्ले का अल्फा टाइम्स CU, AS क्या होगा, स्क्वायर पाइल है, तो पैरामीटर कितना होगा बेटा, सारी साइड्स ऐड कर दीजिए, तो 4 टाइम्स 0.5 हो गया पैरामीटर, और लेंथ कितनी दे रखी है, अच्छा लेंथ तो पूछी है, प्लस QPU क्या होगा, क्या होता है QPU सॉइल के केस में, क्ले होगा 9 टाइम्स NC 9 है, तो 9 टाइम्स C, और AB क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर। तो QU जो कि 1000 है, C की वैल्यू देखिए 50 दे रखी है और अल्फा 0.7 दे रखा है, तो 0.7 इंटू 50 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू
एल प्लस नाइन टाइम्स 50 इंटू 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन। इसके बाद ग्रुप्स के ही क्वेश्चन करने हैं हमने, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। 9 इंटू 50 इंटू 0.5 इंटू 0.5 1000 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.75 बाय 50 बाय 4 बाय 0.5 11.83। ओ देखो आंसर है भी सी 11.8 आंसर। दो नंबर। अब आप ये सोचो, जब हम कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस करते थे, अर्थ प्रेशर के क्वेश्चंस करते थे, कितने क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे, बहुत कम क्वांटिटी को ना बड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ता था। बट शैलो और पाइल फाउंडेशंस के मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, प्रीवियस कुछ साल के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल बेटा। अब आते हैं ग्रुप ऑफ फाइल्स पर, ठीक है, ग्रुप के क्वेश्चन करते हैं। सो ए ग्रुप ऑफ 16 पाइल्स ऑफ 10 मीटर लेंथ एंड 0.5 मीटर डायमीटर आर इंस्टॉल्ड इन अ 10 मीटर थिक स्टिफ क्ले, क्ले है भैया, अंडरलेन बाय द रॉक। द पाइल सॉइल एडहेशन फैक्टर इज 0.4 अल्फा। एवरेज शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ऑन दी सॉइड्स ऑन दी साइड्स साइड्स पर इज 100 केपीए। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट द बेस इज ऑल्सो 100 केपीए। बेस रेजिस्टेंस पूछा है ऑफ ए सिंगल पाइल। बेटा कोई मुझे ये बता सकता है कि शियर स्ट्रेंथ अगर 100 केपीए दी है, हमें टाउ एफ थोड़ी चाहिए, हमें तो सी कोहेशन पता होना चाहिए। तो कोहेशन कितना होगा? गिवन क्वेश्चन में कोहेशन की वैल्यू बताइए, सी कितना होगा? कोई बताएगा? गिवन क्वेश्चन में कोहेशन की वैल्यू क्या है? तो ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड, बट इन्होंने सी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है। बताओ बच्चों। कोहेजन की वैल्यू कितनी होगी? ओके, एक बच्चे ने बोला 200। और कोई बच्चा? बताओ बच्चों, ये चीज जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं। दिस इज नॉट 200। आपको क्या गिवन है? एवरेज शियर स्ट्रेंथ, टाउ एफ गिवन है। टाउ एफ क्या होता है? सी प्लस सिग्मा 10 फाई। इन्होंने बोला क्ले लेयर, तो हम ये मानेंगे कि जो फाई है वो 0 डिग्री है, तो 10 0 0 ये सब 0 हो गया। तो टाउ फाई किसके इक्वल आ गया? सी के। शियर स्ट्रेंथ कितनी गिवन थी? 100। तो सी भी कितना हो गया? 100। तो सी की वैल्यू 100 गिवन। इसीलिए मैं बोलता हूं, अब जैसे है तो क्वेश्चन बहुत आसान, क्या पूछा है? बेस रेजिस्टेंस। आपसे सिर्फ क्यूपीयू पूछा गया है, बेस रेजिस्टेंस, बेस के थ्रू जो जा रहा है। क्यूपीयू क्या होता है? क्यूपीयू इनटू एबी। कैसा सॉइल है?
क्ले, तो क्ले के केस में क्या होता है, सी एन सी ए बी। अब अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ दोनों ही केसेस में 100 है, तो सी 100, एन सी 9, ए बी क्या होगा, कैसी है ये, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो पाई बाई 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 900/4 इंटू 3.14 इंटू 0.25, 176.6। तो जो नियरेस्ट आंसर दिख पा रहा है वो आंसर डी। तो बच्चे ये बहुत, देखिए क्या होता है कि मैंने साइकोलॉजी के एग्जाम में ना टॉप किया इंडिया में, तो मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ सकता हूँ मैं। ये चीजें बच्चे नहीं ध्यान देते, बच्चे क्वेश्चन देखते हैं हाँ बड़ा आसान है कर लेते, पर जब आप पेन लेके पढ़ने बैठते हो ना, ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, सी एन सी इंटू ए बी, बट ये जो सी है ये परेशान कर देगा। बहुत कम बच्चे हैं जो सी को 100 रखेंगे, कुछ 200 रखते हैं और कुछ 50 रखते हैं, और यही मैं बोल रहा हूं। अब बच्चा क्या, अगर मैंने आपको सी की वैल्यू बता दी कि 100 है, एनसी आपने याद रखा हुआ है 9 है, बेस का एरिया, तो बचा ही क्या क्वेश्चन है, मेन है ये सी निकालना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कई बार हमारी क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि थोड़ा सा टीचर ने हिंट दे दिया। अब जैसे जो आपके मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे के सेशन रखे हैं, उन सेशंस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक आया कंसिस्टेंसी ऑफ क्लेस का, आपको सब आंसर करने हैं बिना किसी हिंट का वेट करें, हिंट नहीं मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रुप स्टडी आप कर रहे हो, अपने दोस्त के कॉपी में से देख ले के अच्छा, ये वैल्यू रखनी थी, फिर बचा ही क्या, आप तो आपको बस कैलकुलेटर में डेटा पुट कर रहे हैं। तो ध्यान से इन चीजों को पढ़िए और ये देखे कि कौन से डाउट्स हैं, ये जो छोटे डाउट्स हैं यही बड़े बनते हैं आगे जाके। तो दो पार्ट थे इस क्वेश्चन का, पहला तो आ गया आंसर 176.71। अब उसी क्वेश्चन का वही सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट क्या है, एज्यूम 100% एफिशिएंसी, द ग्रुप साइड रेजिस्टेंस इज व्हाट। तो बड़े अच्छे लोग हैं भाई, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा, QUG अपॉन N टाइम्स QU होता है, 100% एफिशिएंसी का मतलब QUG N टाइम्स QU हो गया। उन्होंने बोला ग्रुप साइड रेजिस्टेंस बताओ, कोई बच्चा बता सकता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस वाले पार्ट में पूछा क्या गया है, कोई बच्चा बता सकता है पूछा क्या गया है, ग्रुप साइड रेजिस्टेंस क्या है, ग्रुप साइड रेजिस्टेंस लिखो भाई जरा देखें। मैं यही तो बोल रहा हूं ये टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसीलिए तो वो घुमाते हैं चीजों को, सिंपल टॉपिक जैसे फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होंगे तो न्यूमेरिकल में कुछ तो आपको अलग बनाएंगे, वो कोई बच्चा नहीं बताएगा, कोई नहीं बताना चाह रहे क्या है, नहीं सर हम नहीं बता रहे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द ग्रुप साइड रेजिस्टेंस, व्हाट इज द ग्रुप साइड रेजिस्टेंस, क्या है ग्रुप साइड रेजिस्टेंस, और एफिशिएंसी 100% है। बेटा आपसे पता है क्या पूछा गया, साइड रेजिस्टेंस, पाइल की साइड में जो रेजिस्टेंस आ रहा है QF, बट ग्रुप की एफिशिएंसी है 100%, आपसे पूछा गया है N टाइम्स QF। ना बेटा मिनिवल, बेटा आपसे N टाइम्स QF पूछा गया है, ग्रुप का साइड रेजिस्टेंस, साइड से ग्रुप कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, और उन्होंने बोला कि 100% एफिशिएंसी मतलब जो ग्रुप है उसका जो तरीका है चलने का वो इंडिविजुअल के समेशन की तरह है। तो एन टाइम्स क्यू यू, सिर्फ फ्रिक्शन बोला है ना यहाँ पे, तो एन टाइम्स क्यू एफ।
अब बचा क्या भाई इसमें, अब तो कुछ भी नहीं है। क्यूएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस ए एस, अल्फा टाइम्स सी, ए एस क्या हो जाएगा, पैरामीटर इनटू लेंथ। अब 16 पाइल है, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा। बट मेन पता है क्या था इसमें, कि फाइंड आउट करना क्या है। तो अल्फा कितना है? 0.4। अब देखिए थोड़ा ये इन्होंने आपके साथ एक अच्छी चीज ये कर दी कि दो जो सी हैं, एक जो सॉइल के यहां पर पाइल के साथ और एक पाइल के नीचे, दोनों 100 दे दिए। हमें वो सी रखना है जो पाइल के साथ है, क्योंकि हमसे फ्रिक्शन का इफेक्ट पूछा गया। तो वैसे दोनों ही 100 है, तो ये 100। पैरामीटर पाई डी एल है ना, 2 पाई आर होता है पाई डी, तो पाई डी कितना है? 0.5 इंटू लेंथ है 10। ये एक पाइल का आया, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस शशि, राइट आंसर। सो दिस विल बी 0.4 इंटू 100 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10। इंटू 16, 0.4 इंटू 100 मेरा इंटू 22/7 इंटू 50 10 इंटू 16, 1, अरे कहाँ चला गया, 10057, और यहाँ क्या है? 10053 आंसर। आई बिलीव यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन 2018। योर डाउट इज वॉट, वाई नॉट यू कंसिडर सी एन सी प्लस गामा एल। बेटा फॉर दिस यू नीड टू अटेंड द प्रीवियस क्लासेस, एज आई हैव टोल्ड। इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल्स क्यूपीयू इज सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू, द थर्ड टर्म 0.5 बी गामा एन गामा, वी डू नॉट कंसिडर दिस वन। नाउ द क्वेश्चन इज, एज द सॉइल इज कोहेसिव, इन दिस केस द एन क्यू इज कंसिडर्ड एज जीरो, सो क्यूपीयू इज ओनली सी टाइम्स एन सी। अगर कोहेसिव सॉइल है विद फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो एन क्यू इज 0, ओनली सी एन सी इज लेफ्ट एंड एन सी इज 9 इन दिस केस। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कंसीडर्ड द टर्म आई बिलीव यू हैव रिटन एज गामा एल, बिकॉज एन क्यू। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाइल एंड शैलो फाउंडेशन। व्हेन द फाई इज 0, इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन एन क्यू इज टेकन एज 1, बट दिस इज द पाइल फाउंडेशन, एन क्यू विल बी टेकन एज 0। ओके देखिए, व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दीज टू क्वेश्चन इज कि इन्होंने सीधा सीधा बताया नहीं कि पूछा गया है बेस रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल पाइल, और उसके बाद सी की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं दी। गेट के ही क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि पहले के हैं, दे आर 16 ईयर्स बैक, बिल्कुल नहीं। कितने सारे क्वेश्चन गेट के एज इट इज रिपीट होते हैं, नहीं तो उनका कंसेप्ट रिपीट होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे केस में ग्रुप साइड रेजिस्टेंस की बात बोल रही, मान लीजिए अगर एफिशिएंसी 100% वो कहता नहीं है, तो हम क्या करते? मान लीजिए वो कहता 70% एफिशिएंसी है, तो उस केस में हम क्यू यू जी ईटा इंटू एन टाइम्स क्यू यू करते। ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे। फिर से मैं बता देता हूं, जो कल का आपका सेशन होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन करेंगे, कुछ और टॉपिक जैसे डायनामिक एनालिसिस में इंजीनियर्स न्यूज फॉर्मूला एक होता है वो पढ़ेंगे, एक होता है अंडर रीम पाइल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
आज हमारा काम है सिर्फ पाइल ग्रुप्स को समझना, क्योंकि पाइल ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अब देखिए, ये एक और क्वेश्चन आ रखा है 2006 में, 2 मार्क्स का है बट बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि फॉर द सॉइल प्रोफाइल शोन इन द फिगर द मिनिमम नंबर ऑफ प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल्स, नंबर ऑफ पाइल्स पूछा गया है ऑफ 300 mm डायमीटर रिक्वायर्ड टू सेफली कैरी द लोड फॉर ए गिवन सेफ्टी फैक्टर 2.5 इज व्हाट। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ पाइल्स पूछा गया है जो एक गिवन लोड को सेफली कैरी कर सके। मैंने आपको बताया, देखिए शैलो फाउंडेशन में क्या बताया मैंने आपको कि एक तो ये क्यू एन एस, ये वाले न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, क्यू एन यू, क्यू एन, ये सारे जो होते हैं। फिर कितना मैक्सिमम सेफ लोड लगा सकते हैं, कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया रख सकते हैं ऑल। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ सेफ पाइल्स बताइए। सीयू की वैल्यू 10 नहीं है, सीयू की वैल्यू क्वेश्चन में 100। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्यू यू निकालना पड़ेगा। सॉइल है क्ले, तो क्यू यू होगा क्यू एफ प्लस क्यू पी यू। क्यू एफ क्या हो जाएगा, एफ एस ए एस प्लस क्यू पी यू ए बी। एफ एस अल्फा टाइम्स सी यू। देखिए एफिशिएंसी इधर भी इन्होंने भी 100% ही दी है, तो अल्फा टाइम्स सी यू। एक की हम पहले निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल की बात चल रही है, तो अल्फा सी यू एफ एस इंटू ए एस। देखिए ये कितना है, 10 मीटर, तो लेंथ 10 मीटर है और पैरामीटर क्या होगा, 300 mm डाया है, तो पैरामीटर विल बी 2 पाई आर, पाई टाइम्स टी प्लस। और क्या है, क्यू पी यू मीन्स सी एन सी, एन सी इज 9 और जो बेस के नीचे सॉइल है वो 150 है। ठीक है, याद रखिएगा सब कंसेप्ट, 150 इंटू ए बी बेस का एरिया, डायमीटर इज 300, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो बेटा यहां से क्यू यू जो आएगा वो सिंगल पाइल का आएगा, अल्फा की वैल्यू 0.57 दे रखी है, अल्फा इज 0.57। सबसे पहले तो क्यू यू देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पाइल्स पूछा है, यूनिक क्वेश्चन है। ओह ठीक आने वाली है। तो जरा इनको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा 0.57 इंटू सी 100, ठीक है ये 10 नहीं है, ये 100 है, इनटू लेंथ 10 है और पैरामीटर है 0.3 इनटू पाई, ये वैल्यू आई 537 प्लस 9 इनटू 150 इनटू पाई बाय 4 into 0.9 by 4। ठीक है, एक बार जरा चेक कर ले यार, अल्फा कितना है 0.57, सी कितना है 100, लेंथ कितनी है 10 और पैरामीटर कितना है पाई डी, एक 300 है ना भाई, 300 ही है, तो into 0.3 into 632। अब 9 into 150 by 7 by 4 into 0.3 into 0.3, तो जब आपने सॉल्व करा ये आया 632.3, ये आया क्यू यू। अब उन्होंने बोला कि इस लोड को सेफली कैरी करना है, ठीक है सेफली,
सेफ लोड क्या होगा? आप अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, ठीक है, सेफ लोड मिल जाएगा। तो अल्टीमेट आया 632.3 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 2.5, तो 632.3 डिवाइडेड बाई 2.5, 252.92, 252.92 किलो न्यूटन। बेटा एक पाइल सेफली इतना लोड उठा सकती है, 252.92। टोटल लोड कितना है? 5000 किलो न्यूटन। एक पाइल इतना उठा सकती है, तो कितनी पाइल्स चाहिए? 5000 डिवाइडेड बाई 252.92, ये आएगा 19.77। भाई नंबर ऑफ पाइल्स 19.77 तो हो नहीं सकती, होल नंबर होगा। अगर आपने पाइल रखी 19 तो रिक्वायर्ड से कम रख दी, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिक्वायरमेंट से ज्यादा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 20। सो द नंबर ऑफ पाइल शुड बी 20। तो सिंपल सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। पहले क्यू यू निकाल लीजिए, उसके बाद आपसे 100% एफिशिएंसी बोला गया है, तो एन टाइम्स क्यू यू ये लग जाएगा यहाँ पे। फिर सेफ लोड पूछा गया है, सेफ्टी बतानी है आपको, तो क्यू यू डिवाइडेड बाई 2.5, ये एक पाइल है उसकी सेफ्टी के लिए। टोटल लोड है 5000, तो डिवाइडेड बाई क्यू एस नंबर ऑफ पाइल्स आते हैं। मैं तो बेटा ये बोलूंगा कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं, आप बच्चे बने हुए हैं मेरे साथ बहुत टाइम से, कुछ बच्चे बिल्कुल रेगुलर आते हैं, आप देखिए हमने कितने भयानक न्यूमेरिकल करे, उसके सामने तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए एक चीज ये भी बड़ी याद रहनी चाहिए कि जब ये होल नंबर आएंगे, जैसे 19.77 आया, इस क्वेश्चन में तो 19 ऑप्शन ही नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन सा होल नंबर लेना है, कम लेना ज्यादा लेना, कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ के हम बोलेंगे। ये नहीं कि हमेशा ज्यादा ही लेते हैं या हमेशा कम लेते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन में वो देखिए। अब ये पहला क्वेश्चन है जहां हम इक्विवेलेंट पाइल कंसेप्ट को यूज करेंगे। उन्होंने बोला व्हाट इज द अल्टीमेट कैपेसिटी इन किलो न्यूटन ऑफ द पाइल ग्रुप शोन इन द फिगर एज्यूमिंग द ग्रुप टू फेल एज ए सिंगल ब्लॉक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, टू फेल एज अ सिंगल ब्लॉक? इसका मतलब ये होता है कि आपने, जैसे ये प्लान है, प्लान में कितनी पाइल्स दिख रही हैं आपको? एक, दो, तीन, चार। तो दो पाइल आगे, दो पाइल उनके पीछे, उनके बीच की सेंटर, सी सी मीन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बता रखी है। इन्होंने बोला कि इस जो पाइल ग्रुप है इसका बताइए कितना अल्टीमेट लोड कैपेसिटी है जब एक सिंगल ब्लॉक की तरह फेल हो रहा है, मतलब एक सिंगल पाइल की तरह फेल हो रहा है। यहां पर जो ग्रुप पाइल्स हैं वो इंडिविजुअल पाइल्स से बनकर नहीं है, उनकी कैलकुलेशन हुई है, इन पूरी चार पाइल्स को मिलाकर एक सिंगल इक्विवेलेंट पाइल मान ली, तो बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी। तो अब हम क्यू यू जी निकालेंगे। नाउ दिस विल नॉट बी इक्वल टू एन क्यू यू। व्हाई? यहां पर सिंगल पाइल का फेलियर नहीं हुआ है, पूरे ब्लॉक का फेलियर हुआ है। तो ऐसे केस में मैं मानते हैं कि ये सब पाइल्स मिलकर एक बड़ी पाइल बना रही थी, कोई ऐसी अलग चीज नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, क्यू यू क्या होता है? क्यू एफ प्लस क्यू पी यू मीन्स एफ एस ए एस क्यू पी यू ए बी। क्ले सॉइल है, अल्फा टाइम्स सी यू ए एस सी एन सी, एन सी इज 9 सी ए बी, ठीक है। अब ग्रुप पाइल्स है, या जैसे ये ए एस क्या होता है, दिस ए एस सरफेस एरिया, और ए बी क्या होता है, बेस एरिया।
ये बात याद रखिए कि जब ग्रुप पाइल्स की बात होगी तो अल्फा की वैल्यू को हम वन करेंगे, तो क्यू यू जी की बात हो रही है, ग्रुप में अल्फा वन मानिए, सी यू ए एस जी ग्रुप का सरफेस एरिया 9 times c ग्रुप का बेस का एरिया। अब हमने क्या करा, ध्यान से सुनिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, थोड़ा यहां बनाते हैं। क्या हो रहा है, ये एक पाइल है, ठीक है, प्लान देख रहे हो, इसके साथ ये दूसरी पाइल है, फिर ये पाइल है, ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, हम ये एक बड़ी पाइल बनाएंगे, ये पाइल बनाएंगे, ये ऐसा हमने एक फिगर बनाई। देखिए ये चार इंडिविजुअल पाइल्स हैं, बट जो मैंने डॉटेड फिगर बनाई, अब मैंने बोला कि ये चार इंडिविजुअल पाइल मिलकर एक सिंगल बड़ी पाइल बना रही है, और इसकी कैपेसिटी पता करनी है। अब आपको बस पैरामीटर पता करना है, ये जो डॉटेड लाइन है इनका पैरामीटर पता करना है और एरिया पता करना है। बुक्स में फॉर्मूले हैं, पता नहीं क्या क्या, रटने की जरूरत नहीं है, पहले रटने के लिए बहुत सारा मैटर है, समझ लेते हैं। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 1.2 meter है, ठीक है, और डायामीटर 0.4 meter है। तो पेन का कलर बदलते हैं, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ये वाली वैल्यू, ये 1.2 meter है और जो डायामीटर है ये ब्लैक पूरा डायामीटर ये 0.4 है, तो रेडियस कितना रह गया, ये जो वैल्यू है इतनी वैल्यू 0.2 meter, और बिल्कुल उसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी 0.2 meter। फिर स्क्वायर है, ये वैल्यू भी 1.2 meter है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये वैल्यू 0.2 है और ये वैल्यू 0.2 है। तो अगर इस पूरे लेंथ की बात करें तो ये 1.6 meter, और इस पूरे की बात करें तो ये भी 1.6 meter। तो बेटा अभी जो ये चार पाइल्स थी ये मिलकर एक बड़ी पाइल बना रही है, इक्विवेलेंट पाइल का कंसेप्ट है। इस इक्विवेलेंट पाइल का स्क्वायर एरिया बन रहा है और इसकी साइड है 1.6 meter, तो एरिया ऑफ बेस फॉर ग्रुप पाइल कितना हो जाएगा, 1.6 into 1.6। पैरामीटर फॉर ग्रुप पाइल, पैरामीटर कितना हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन निकालने के पैरामीटर पता होना चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस मींस 4 into 1.6 meter। अब रटते हैं बच्चे, रटने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझ लीजिए। उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आ जाएगी, वर्टिकल स्पेसिंग का फॉर्मूला, अरे कुछ जरूरत नहीं है, सीधा फिगर बनाओ और निकाल लो यहां से। तो अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, अल्फा की वैल्यू 1 है, और देख लीजिए अल्फा दे ही नहीं रखा कहीं, तो 1 ही होगा, थोड़ा सा स्मार्टनेस वाली बात हो जाती है। सी यू कितना है, 40। सरफेस एरिया कितना होगा, बेस ये पैरामीटर, सरफेस एरिया पैरामीटर इनटू लेंथ, पाइल की लेंथ तो 10 ही रहेगी और पैरामीटर अभी आपने निकाला 4 into 1.6 प्लस 9 times, सी कितना है, 40, कितना बन रहा था वो फिगर ये देख लीजिए, 1.6 into 1.6 बन रहा है, तो 1.6 into 1.6। तो जब ब्लॉक फेलियर बोला जाएगा तो जो पाइल्स होंगी उनका आपको बताया जाएगा कि पाइल कैसे, देखिए क्वेश्चन ने बताया है कि पाइल्स इस तरीके से लगाई गई है, तो अब आपको पूरे इन सब को जोड़ के आउटर वो बना लीजिए एक फिगर, क्या भाई आउटर फिगर क्या है, और इस फिगर जो बनेगी इसका पैरामीटर और क्या निकाल लेना है, एरिया, इसको सॉल्व करना है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। सो 40
इंटू 10 इंटू 4 इंटू 1.6 प्लस 9 इंटू 40 इंटू 1.6 इंटू 1.6 3481.6 किलोन्यूटन। हो गया क्वेश्चन आसानी से। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चंस बिल्कुल ही थोड़े हैं, कुछ आए हैं क्वेश्चंस तो थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी हैं जिनको हम अपने कल के सेशन में भी करेंगे, बट मोस्टली क्वेश्चंस आप अगर देखो तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले पर आ रहे हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, एफिशिएंसी के भी क्वेश्चन है। देखिए मेन फोकस अभी हमारा देखिए जस्ट गेट, मतलब गेट पर हम करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लंबे न्यूमेरिकल्स भी हैं उनको भी हम करेंगे, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं अब आपका टाइम आ गया है चैनल पर और स्टडीज पर हाइपर एक्टिव होने का। सारे टीचर्स यहाँ पर भी सेशंस लेंगे, अनअकैडमी ऐप पर भी लेंगे, सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, सब कुछ होगा, बट आपको एक्टिव बनना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना खुद मेहनत करे सिर्फ टीचर की मेहनत से रैंक आ जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा मान लीजिए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, छह पाइल लगी हुई है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लान है ये, ठीक है बेटा, क्या दिक्कत है। मान लो 1.6 मीटर ही है वो, डेटा यही ले लेते हैं कि वर्टिकल में भी 1.2 मीटर है और हॉरिजॉन्टल भी 1.2 मीटर, ठीक, डायमीटर भी 0.4 मीटर मान लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये इस तरीके से बेटा फिगर बन गई, आप मुझे ये बाहर वाली साइड बता दो क्या बनेगी, है ना, यही है ना आपका क्वेश्चन। देखो 1.2 मीटर सेंटर से सेंटर ये और 1.2 मीटर सेंटर से सेंटर ये, तो 2.4 मीटर ये, आधा इधर और आधा इधर, मतलब डायमीटर का हाफ इधर और डायमीटर का हाफ इधर, पूरा डायमीटर ही हो गया, मतलब 0.4 और जोड़ दो तो 2.8 मीटर, तो ये साइड कितनी हो गई फिर 2.8 मीटर, और इधर वही सेम कंसेप्ट है 1.6 मीटर। अब पैरामीटर क्या हुआ, अब तो ये तो रेक्टेंगल बना, ये तो स्क्वायर नहीं बना, क्या दिक्कत है, पैरामीटर स्क्वायर का 4 टाइम्स ए होता है, क्यों होता है, आप सारी साइड्स को ऐड कर देते हो, यहाँ क्या होगा, ये 2.8 और ये 2.8 मींस 2 टाइम्स 2.8 प्लस 1.6, ये पैरामीटर आ गया और एरिया क्या आएगा 2.8 इंटू 1.6। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने, तो कुछ भी ऐसे रटना ही नहीं है, समझना है ध्यान से बैठ के। देखिए जानते क्या होता है, हमें लगता है कि रट के हम टाइम सेव कर लेंगे, बिल्कुल गलत थ्योरी, रट के उस टाइम पर आपको लगेगा कि समय बचा लिया, एग्जाम के टाइम पे समझ ही नहीं आएगा कि कहां से किधर हो रहा है, तो इसलिए समझ लीजिए उस टाइम पर भले ही आपको 10 15 20 मिनट ज्यादा देने पड़ जाएं, एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से करने। तो आज हमने दो इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन और दूसरा हमने पढ़ा पाइल्स इन ग्रुप्स। हमने अभी और क्या पढ़ना है, एक तो क्यूयू निकालने के 3 और मेथड पढ़ने हैं, जिसमें आएगा डायनामिक एनालिसिस के साथ साथ पेनिट्रेशन टेस्ट और लोड टेस्ट जो होते हैं और अंडर रीम पाइल्स। देखिए अंडर रिम पाइल्स का कंसेप्ट भी बड़ा सिंपल है, गेट में क्वेश्चन आया है इसलिए हमने पढ़ना ही है इस टॉपिक को। अंडर रिम पाइल्स में क्या होता है, ऐसे बेस बढ़ा देते हैं इस तरीके से,
इसको अंडर रीम बोला जाता है, ये सिंगल भी हो सकते हैं और डबल मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसका एनालिसिस सीखना, इसके एनालिसिस में भी कुछ नहीं है, लोड तो ट्रांसफर हो ही रहा है। यहां पर आके बेस आपने क्या करा, पाइल फाउंडेशन का बेस बढ़ा दिया, बीच में कहीं से उसका साइज बढ़ा दिया, तो यहां से भी बहुत सारा लोड ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको और कंसिडर करना होता है। एज गेट में अभी रिसेंटली इस पर क्वेश्चन आया है, तो हमें इसको पढ़ना तो पड़ेगा। फिर कल पाइल फाउंडेशन खत्म कर देंगे पूरा, PYQs में इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद परसों हम पढ़ेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन, इसमें जो है ना स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और उसके नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे सॉइल मॉडिफिकेशन। विद सॉइल मॉडिफिकेशन सिलेबस खत्म। फिर ये क्या हो गया, ये थर्सडे हो गया, देन फ्राइडे सैटरडे संडे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे गेट में, कि गेट में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 90 क्वेश्चंस वो करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अनएकेडमी ऐप पर भी मैं सेशंस लूंगा, तो ऐप पर भी एक्टिव रहिए और यूट्यूब चैनल पर भी एक्टिव रहे, जितना एक्टिव रहेंगे इस टाइम पर उतनी अच्छी रैंक आएगी, ठीक है बच्चों। और फिर से बता देता हूं आपको, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के एक बहुत सीनियर फैकल्टी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमारे चैनल पर इन्वायरमेंटल एकेडमी भी स्टार्ट होने वाले हैं मिड ऑफ दिसंबर से। एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको। और उसके साथ साथ मंडे से, ये जो कमिंग मंडे है, वी विल स्टार्ट समथिंग अफ्रेश, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल से बिल्कुल एकदम जुड़ के रहिए, चेक करते रहिए नोटिफिकेशंस, बेल आइकन दबा दीजिए। ये क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में हम कर चुके हैं, देखो कितने सारे क्वेश्चन कर लिए अभी अभी में हमने, आज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्वेश्चंस तो करा ही चुका हूँ मैं आपको। यही ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन नहीं कराए वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए नहीं कराए होंगे ये, कुछ क्वेश्चन डायनामिक एनालिसिस पर। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारी चीजें हमने सोची हुई है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे एग्जाम में, बट आपको व्यूज पर थोड़ा ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए हमारे वीडियोस को, अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपको फायदा कर रहा है, आपके दोस्तों को फायदा कर रहा है, तो जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको और इन डेप्थ होता है ना, और फोकस चाहिए, तो आप अनएकेडमी ऐप पर प्लस सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड चड्डा10 और चड्डा SC, और इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा उसी टाइम। तो बच्चों आई होप आज का सेशन भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अब आपने बिल्कुल एक्टिव हो जाना है, बहुत कुछ करना है हमने अगले 1.5 से 2 महीने में, और ये आपकी गेट रैंक को ड्रास्टिकली इंप्रूव करा देगा। एक्टिव होने का टाइम आ चुका है। कौन से सर, आई बिलीव कौन से लिखा है, कौन से सर, ये सब वो है सरप्राइज, एकदम से सर सामने आ जाएंगे, यू वुड बी लाइक कि वाओ सर, तो बहुत एक्सपीरियंस है उनका अपने फील्ड में, इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज इन हिज फील्ड। तो जो था बच्चों का लगा था कि सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सो व्हाट आई बिलीव इज कि वो वही स्टार्ट करेंगे, पूरा कंफर्मेशन एवरीथिंग विल बी डन बाय टुमारो, बट यस 99.9% सर विल बी टेकिंग ऑन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल एकदम फैला दो खबरें और बिल्कुल एक्टिव हो जाओ मिड ऑफ दिसंबर से। क्या आज क्या है, मंडे है ना, नेक्स्ट मंडे से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों फॉर्म में आ जाओ, जोश में आ जाओ, मैं जोश में आ चुका हूँ। अनएकेडमी ऐप और हमारे चैनल जस्ट गेट सिविल पर एक्टिव हो जाओ, 24 घंटे एक्टिव रहो, बढ़िया रैंक आ जाएगी। तो चलो बच्चों अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम पर, कल ये टॉपिक खत्म करते हैं, मेजर सिलेबस तो कल ही खत्म हो जाएगा, बाकी 2 थ्योरिटिकल टॉपिक रह जाएंगे वो भी खत्म कर देंगे थर्सडे तक। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं कल, टिल देन डू टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ,
ईट वेल, स्लीप वेल एंड यस स्टडी वेल। बाय बच्चों।